नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर में और मेरे साथ आप देख पा रहे हैं कि वीरेंद्र राठी सर इस वक्त मौजूद हैं। हरियाणा की राजनीति के हर पहलू पर इनकी वो है पैनी नज़र रहती है। कल परसों है वो राहुल गांधी है छारा आए थे, बेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का गाँव है छारा, और वीरेंद्र आर्य दलाल का अखाड़ा है, लाला दीनदयाल के नाम से है वो अखाड़ा चलता है, काफ़ी पुराना अखाड़ा। वहाँ पर राहुल गांधी का आना, वो किस तरह से वो देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति पहलुओं पर इनकी नज़रें रहती हैं। आज मैं राहुल के आने पर है वो क्या प्रभाव है वो हरियाणा की राजनीति पर जाएगा, वहाँ से मैं चर्चा को स्टार्ट करता हूँ। सर सबसे पहले नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको क्या लग रहा है कि अब क्या होने वाला हरियाणा की राजनीति में राहुल का आना? कई कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हुड्डा को भी है, वो पता नहीं चला कि कब हरियाणा से राहुल आए कब गए, उनको है इग्नोर करके गए हैं या कुछ और पहलू हैं, किस तरह से देख रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब देश के अंदर लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा का विधानसभा का चुनाव जो अक्टूबर 2024 में ड्यू है कि शायद वो भी लोकसभा के साथ हो जाए, ये कयास है। तो उत्तर भारत के अंदर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव 2024 के अंदर होना निश्चित है। तो सीधी सी बात है, पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी नज़र हरियाणा की तरफ ज़्यादा है, और राहुल गांधी जो छारा गाँव के अंदर आए और ना ही उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं को सूचना उसकी दी, जिसका लोग मान करके चल रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी को तो जरूर वो सूचना दे करके आएंगे, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया गया। तो उन्होंने इस चीज़ को दर्शाने का काम किया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई विशेष नेता अपने आप को ये पावरफुल मान करके न चले, जो हाईकमान है वो अपने सत्र पर भी हरियाणा पे पूरी पैनी नज़र अपनी रखेगा और उसी दृष्टि से वो आए। और बड़ा नेता जब किसी इलाके के अंदर आता है तो पार्टी का उसको फायदा मिलता है। सर जिस तरह से कहा ये जा रहा है कि राहुल गांधी जहाँ भी जाते हैं वो अपनी तरह से निकलते हैं, इसका कोई प्रभाव है हुड्डा पर नहीं पड़ने वाला? और एक तरफ है जो एसआर के गुट है वो भी मजबूत है, वो ये लगा जा रहा कि वो हुड्डा उन पर ज़्यादा हावी ना हो, इसलिए राहुल है वो उनको एक संतुलन बनाए रखते हैं और ऐसे चलते हैं। ये तो संतुलन बनाने का काम तो देखो हर पार्टी का नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो होता है वो करता है, लेकिन हरियाणा में एक चीज़ भी जग जाहिर है कि हरियाणा में जो कांग्रेस है वो भूपेंद्र हुड्डा के नाम से जानी जाती है। अगर आप भूपेंद्र हुड्डा जी को कांग्रेस से दरकिनार आप कर दोगे तो कोई दूसरा नेता प्रदेश के अंदर ऐसा मैं नहीं मानता कि जो कांग्रेस को सत्ता के गलियारों तक पहुँचा सके। जहाँ तक आप एसआर के गुट की बात कर रहे हो, एसआर के गुट के अंदर मुख्यतः तीन नेता हैं। एक नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला है, पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। एक नेता किरण चौधरी जी हैं, चौसाम से जो विधायक हैं, बड़ी सेटिंगबाजी से उन्होंने अपनी सीट निकाली थी। तीसरी नेता जो मजबूत नेता के रूप में जिनका नाम लिया जाता है वो कुमारी शैलजा हैं। कुमारी शैलजा लोकसभा के पीछे दो चुनाव अम्बाड़ा से वो हार चुकी हैं, तो खुद की सीट भी निकालने की उन नेताओं के अंदर अक्षमता नहीं है और आज वो विधानसभा का चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई विशेष ये घोषणा नहीं कर पाई है कि मैं। दिखाने को ये है कि कांग्रेस के अंदर दो गुट आज हैं। ये जरूर है कि जो हरियाणा प्रदेश के जो दूसरे नेता हैं दूसरे हलकों से हैं वो जा कर के अपने खेमे में उनकी वर्कर मीटिंग कर रहे हैं, उनके लिए जनसभाएं कर रहे हैं। जैसे कलायत से उन्होंने सविता ढोल को शामिल करवाया, एसआर के गुट ने ही करवाया, लेकिन कलायत के अंदर सबको पता है कि वहाँ एक दिग्गज नेता जयप्रकाश उर्फ जेपी के रूप में वहाँ हैं, भूपेंद्र हुड्डा के राइट हैंड हैं। तो उनका बेटे के बारे में आदमपुर जब उपचुनाव हुआ था तो उन्होंने वादा किया था जेपी से कि आप आदमपुर का चुनाव लड़ो, आपके बेटे विकास को जो हम कलायत का चुनाव लड़वा देंगे। तो बाकी जब चुनाव आएगा पता चल जाएगा कि कौन सा गुट ज़्यादा हैवी है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के प्रमुख स्तंभ के रूप में यहाँ पे हैं। आपने जिस तरह से विकास का जिक्र किया, उनके बेटे हैं, क्या परिवारवाद है वो कांग्रेस को कहीं नुकसान में तो नहीं लेके जाएगा? क्योंकि अगर देखिए बेरी से आप जिक्र, मैंने आपसे कई बार सुना कि वो जो पुत्रवध हुआ है उसको उतार सकते हैं, मैम से बलराम दांगी हैं, आनंद सिंह दांगी के लड़के हैं, काफ़ी है ये। इस तरह से युवराज अगर आएंगे तो फिर आम जनता ये सोचेगी कि क्या इन्हीं के सारी उम्र इन्हीं की वोट डालते रहेंगे, क्या और कोई परिवार, क्या और कोई किसान का मेरे वर्ग का बेटा कोई राजनीति नहीं कर पाएगा, यह क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, विरोधी जो पार्टी होगी, कांग्रेस की विरोधी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो भाजपा भी है, आम आदमी पार्टी भी है, वो जरूर इस बात को मुद्दे के रूप में भुनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस चीज में ढल चुकी है। उनको पता है कि दो दिन चर्चाएं चलेंगी, लेकिन जनता के काम भी कहीं ना कहीं उन्हीं परिवारों ने किए हुए हैं।
तो ये परिवारवाद ये मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर ज़्यादा है, भाजपा के अंदर बहुत कम है। लेकिन शमशेर खरकड़ा के रूप में आप देखोगे, वो पहले 3 चुनाव हार चुके हैं और अब की बार अपनी धर्मपत्नी को आगे, राधा अलाव जी को आगे कर रही हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं परिवारवाद के रूप में है। आप बाकी और पार्टियों के बारे में देखोगे, टुंडू ने भी अपनी धर्मपत्नी को आगे लिया है, धर्मपत्नी को उन्होंने पार्टी का अपना पद दिया, उनके नाम पे शायद पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा के कन्वीनर उनको बनाया गया है। तो हर जगह पे ये चीजें हैं। दूसरी पार्टियों के अंदर है, कांग्रेस के नेताओं से बात करोगे तो 20 नेताओं के नाम बीजेपी के गिनवा देंगे। और लेकिन हरियाणा में ये जरूर है कि देश के अंदर ही परिवारवाद की जो पोषक पार्टी रही वो कांग्रेस रही है, लेकिन जनता इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। कल मैंने ओम प्रकाश धनखड़ से बातचीत की, उसमें एक मैंने पूछा कि राहुल गांधी का छारा पूछने को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि उनको है बचपन में अखाड़े में आना था, अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है, 53 की उम्र में वो शायद दापेच ना सीख पाए। ये कहने की बात है, ऐसे तो बहुत से बीजेपी के अंदर ऐसे नेता हैं जो पहली बार MLA बने, भजन लाल जी, उन्हीं की पार्टी बीजेपी के यहाँ राजस्थान से, फिर आज उनको मुख्यमंत्री क्यों बना दिया, वहाँ सीनियरिटी क्यों गौण कर दी गई, 18 साल के सीटिंग CM शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से क्यों हटा दिया गया, वहाँ दूसरे आदमी को क्यों बना दिया गया। ये एक तो एक काम का बेवजह की बात है कि इनको पहले अखाड़े मारना चाहिए। वो कुश्ती लड़ने के लिए थोड़ा आए थे, वो अखाड़ा ज्वाइन करने के लिए थोड़ा आए थे, वो तो एक पहलवानों से मिलने के लिए आ गए, उनकी समस्याओं को जाना, कुछ दाव पे उनके साथ एक दो कुश्ती की। आदमी जहाँ जाता है, कहीं रागनी का प्रोग्राम होता है तो आदमी की कोशिश होती है कि मैं रागनी गाने लग जाऊँ, बाथरूम सिंगर के रूप में आदमी गुनगुनाता भी है। कहीं सत्संग में जाता है तो उसको भजन के प्रति श्रद्धा उसकी जाग उठती है, खाड़े में जाता है तो आदमी पहलवानों की बात करेगा और वही दाव पैंचों की बात करेगा और दूसरे कौन सी उनसे बात करेगा। तो ये एक बचकाना बयान ओम प्रकाश धनखड़ का मानता हूँ जी। और आखिरी सवाल मेरा ये कि आप खापो से जुड़े हुए हैं, राठी खाप का एक अपना वजूद है पूरे हरियाणा प्रदेश में, उनकी कमान आपके हाथ में है मैम की तरफ से, और एक बयान अभी आया था कि खापे इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखती, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टूटी खाट और झुका हुआ जाट है वो किसी काम के नहीं होते, उदय भानपुनिया ने ये कहा है, खाप इसको किस तरह से देख रही है और ये क्या इस तरह से नेताओं की टिप्पणियाँ हैं वो समाज को लेकर होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। ये कुछ तकिया कलाम हमारे समाज के अंदर चलते हैं, उन तकिया कलामों का प्रयोग जब राजनेता करने लग जाते हैं तो सीधी सी बात है कि कास्टिज्म बेस पे कोई बयान ऐसे राजनेताओं का नहीं आना चाहिए। जहाँ तक राठी खाप की बात है, हमारी खाट का खाप का जो गठन हो रहा है वो नए रूप में हो रहा है और जिसकी 2 जिलों के जिलाध्यक्ष बनाने हुए बचे हैं वो जल्दी ही जनवरी के महीने के अंदर उनकी नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा और हमारे रोहतक और सोनीपत जिले के जो हमारे खाप प्रधान हैं वो मास्टर रामफल राठी जी बड़म्बा से हैं, उन्होंने मेरे को महम 24 राठी खाप की जिम्मेवारी दी है। तो मैं 4 गांव महम 24 के अंदर राठियों के जो उनको कवर कर चुका हूँ, 3-4 गाँव मेरे बचे हैं। मेरा प्रयास है कि हर राठी खाप के घर तक मैं जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, उनके बाद उनकी एक सामूहिक मीटिंग बुला करके कम से कम 21 सदस्यीय कार्यकारिणी, अगर बड़ा गांव है तो 51 सदस्य है, वरना 21 सदस्यीय कार्यकारिणी बना करके एक ग्राम प्रधान की भी हम नियुक्ति करेंगे जो राठी खाप का गांव का प्रधान होगा। उसके बाद मैं हल्के का महम 24 का भी महासचिव भी है, उप प्रधान है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ये चीज़ें ये पद भी हम बांटेंगे और पूर्ण रूप से जब गठन हो जाएगा तो हमारा पहला जो प्रयास होगा वो हमारा होगा सामाजिक कुर्तियों के ऊपर, यानी जो नौजवान आज नशे की तरफ ज़्यादा भटका हुआ है, चिट्टा जैसा नशा हमारे प्रदेश के अंदर गांव के अंदर घर कर चुका है, कि उनके पर उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोगों को जागरूक करें। और एक गांव से अगर हम एक बच्चे को भी उस नशे से बाहर निकाल पाए तो हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। रही राजनीतिक बात, अगर खापें आगे किसी प्रकार का राजनीतिक निर्णय लेंगी, लेना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि सबसे ज़्यादा वोट मेरी राठी खाप की पड़ती है मैम के अंदर, अगर वहाँ कोई भाईचारा इकट्ठा होकर के कोई नौजवान निखर करके आएगा और सारे समाज का और हमारे राठी खाप का अगर रुख बना कि इनको हमने चुनाव लड़वाना चाहिए तो उस चुनाव के अंदर राठी खाप प्रत्याशी दे सकती है जी। शुक्रिया बातचीत के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ है वीरेंद्र सर हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषण करते रहते हैं और सटीक मायने में मैं एक बात कहूँ, कहीं ना कहीं जो इनके सर्वे निकल के आते हैं वो बिल्कुल हैस्टिक मिलते हैं, चाहे राजस्थान की मैं बात करूँ, 4 या 5 सीटों पर इन्होंने जो अपना सर्वे दिया था वो ठीक ठाक ही मिला था, पूरा ही ठीक था, और 2-3 जगह के और सर्वे इन्होंने डाले और लगातार है, न्यूज एजेंसी है, चाहे जनता जंक्शन है, वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी है, 24 TV है,
तमाम ऐसे चैनल्स हैं जिन पे आप इनको देख सकते हैं, इनकी बातें सुन सकते हैं। अगर राजनीति में आपकी दिलचस्पी है तो आप जुड़ के है वो अच्छे नॉलेज है वो ले सकते हैं राजनीति लेवल की, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अपनी बेबाकी से बात रखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है इनसे बातचीत करके, और आगामी जो मुद्दे होंगे वो भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जब तब बने रहे मेरे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।